असलमकुम नाजरीन डॉक्टर उमैर आपकी खिदमत में हाजिर है मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे नाजरीन आज की इस अहम वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा कि यूरिक एसिड क्या है ये क्यों बढ़ता है किन लोगों को अपना यूरिक एसिड लाजमी चेक करवाना चाहिए इसकी क्या हो सकती हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है तो नाजरीन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूरिक एसिड है क्या यूरिक एसिड एक केमिकल है जो कि हर इंसान के खून में कुदरती तौर पर मौजूद है ये एसिड हमारी अंतड़ियों और जिगर में एक आर्गेनिक कंपाउंड प्यूर से बनता है ये आर्गेनिक कंपाउंड प्यूरिन हमारे जिस्म के अंदर ख़ुद से भी मौजूद होता है और कुछ हिस्सा इसका हम अपनी खुराक से हासिल करते हैं ख़ास तौर पर हमारी खुराक में जो सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियाँ हैं और गोश्त इसके अंदर प्यूरिन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है तो ये दोनों चीज़ें अंतड़ियों और जिगर में जाके यूरिक एसिड बनाती हैं नाजरीन यूरिक एसिड हमारे जिसम के अंदर एक ख़ास मकदार के अंदर बनता भी है और एक ख़ास मकदार के अंदर हमारे जिस्म से ख़ारिज भी होता है छोटे पेशाब की सूरत में तो इसका एक मुतवाजन निज़ाम रहता है यानी बनने और ख़ारिज होने का निज़ाम इतना बेहतरीन होता है कि यह यूरिक एसिड एक लेवल पर रहता है मर्दों में इसका लेवल साढ़े तीन से ले कर सात तक जबकि ख़वान में ढाई से ले कर सिक्स मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक यूरिक एसिड ब्लड के अंदर नॉर्मल तस्लीम किया जाता है यानी अगर इतना है तो आपका यूरिक एसिड बिल्कुल ठीक है लेकिन कुछ वजूहत की वजह से बुनियादी तौर पर दो वजूहत जो बड़ी वजूहत हैं इनकी वजह से जिसम में यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है पहली बड़ी वजह कि जिसम के अंदर यूरिक एसिड का बनना ज़्यादा शुरू हो जाता है और उसकी वजह हमारी खुराक गोश्त और सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियाँ हैं दूसरी वजह यूरिक एसिड बढ़ने की वो है पेशाब के रास्ते यूरिक एसिड का अखराज कम होना ज़ाहिर है छोटे पेशाब के रास्ते अगर यूरिक एसिड कम ख़ारिज हो रहा है तो ये जिस्म के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है और ये बाद में जाहिर करना शुरू कर देता है यही यूरिक एसिड जब सात से ज़्यादा बढ़ जाता है सेवन मिलीग्राम पर डेसी से तो इसकी खासियत है कि ये हमारे जोड़ों में जमा होना शुरू हो जाता है और जब ये जोड़ों में जमा होना शुरू होता है तो ये अपनी जाहिर करना शुरू कर देता है सबसे पहले जो इस एसिड से जोड़ मुतासर होता है वो हमारे पाँव का अंगूठा है तो जिनमें एसिड शुरू शुरू में होता है तो उनमें जो पहली अलामत आती है वो पाँव के अंगूठे में सोच भी पड़ सकती है उसमें दर्द भी हो सकता है और साथ में पाँव की एड़ी के अंदर दर्द ये दो पहली के तौर पर सामने आती हैं और बाद में जैसे जैसे, जैसे यूरिक एसिड जिसम में बढ़ता जाता है तो यही एसिड आपके जिसम में दर्द के अलावा थकावट और पूरे जिसम में कमज़ोरी का एहसास भी पैदा कर सकता है यूरिक एसिड का मर्ज अगर एक अरसे तक इसी तरह बढ़ा रहे तो ये गुर्दों में पत्थरियाँ गुर्दों में सोजिश और गुर्दों के अंदर इन्फेक्शन भी काज कर सकता है तो अब कौन से वो लोग हैं कौन से मरीज़ हैं जिनको अपना यूरिक एसिड लाजमी चेक करवाना चाहिए तो चार किस्म के लोग जिनको अपना यूरिक एसिड लाजमी चेक करवाना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले वो लोग जो शुगर के मरीज़ हैं उनकी चाहे शुगर कंट्रोल में है या शुगर कंट्रोल में नहीं है उनको अपना यूरिक एसिड लाजमी चेक करवाना कर चाहिए क्योंकि आम तौर पर हर शुगर के मरीज़ के अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा होता है दूसरे नंबर पर वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा है उनमें भी यूरिक एसिड बढ़ने का ख़शा ज़रूर होता है तो ये लोग भी अपना यूरिक एसिड लाजमी चेक करवाएँ तीसरे नंबर पर वो लोग जिनकी खुराक में गोश्त ज़्यादा शामिल है और सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियाँ वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इन लोगों को भी अपना यूरिक एसिड लाजमी चेक करवाना चाहिए चौथे नंबर पर वो लोग जो कि कैंसर के मरीज़ हैं जिनको कीमोथेरापी चल रही है उनमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो इन लोगों को भी अपना यूरिक एसिड लाजमी तौर पर चेक करवाना चाहिए अब हम अगर इसके इलाज की जाने आएँ तो इसका इलाज हम घर पर अपनी खुराक में कुछ तब्दीलियाँ ला के बड़ी आसानी से कर सकते हैं सबसे पहले हमने अपनी ख़ुराक में उन सब्ज़ियों और गोश्त का इस्तेमाल कम करना है जिनके अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा है या जिनसे यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है सब्जियों में साग पालक बंद गोभी मेथी और मटर का इस्तेमाल कम करना है ये आपका यूरिक एसिड बढ़ा सकते हैं गोश्त में आप कोशिश करें कलेजी मगज़ पोटा सीरी पाए इनके अंदर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा या प्यूरिन कंटेंट इनमें बहुत ज़्यादा होता है तो आप अपनी खुराक में गोश्त और सब्जियों की मकदार कम करके यूरिक एसड को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं दूसरे नंबर पर वो लोग जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और मीठे का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं ये आपका यूरिक एसिड बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं आप अपनी ख़ुराक में मीठा और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को कम करके अपना यूरिक एसिड कंट्रोल कर सकते हैं तीसरे नंबर पर एसिड के मरीज़ कम से के मरीज कम दिन में आठ गिलास पानी लाजमी तौर पर पिए और याद रहे कि इन आठ गिलास में से कम से कम चार गिलास पानी के ऐसे लाजमी हों जिनमें उनमें लीम लाजमी शामिल हो क्योंकि लीम की बड़ी एक अच्छी ख़ासियत है कि जिसम से यूरिक एसड को ख़ारिज करने में बहुत मदद फराहम करता है चौथे नंबर पर वो लोग जो शराब नोशी करते हैं उनको शराब नोशी तर्क करनी पड़ेगी क्योंकि शराब से आपके जिसम के अंदर यूरिक एसड बहुत हद तक बढ़ सकता है तो ये कुछ खुराक की एहतियात खाने पीने की एहतियात मैंने आपको बता दी अगर इन चीज़ों से भी आपका यूरिक एसिड कंट्रोल नहीं हो रहा तो मैं आपको चंद दवाइयां जरूर बता देता हूं जो इसको ठीक कर सकती हैं इन दवाइयों में एलोप्यूरिनोल फेबॉक्सटेट फिनोफाइब्रेट्स और एनाकिनरा ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि आपके यूरिक एसिड को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर सकती हैं लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आप अगर दवाइयों का इस्तेमाल करें तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके उनसे रुजू करके अपनी दवाइयों को इस्तेमाल करें आखिर में कि अगर हम ये सारी एहतियात भी कर रहे हैं और दवाइयाँ भी खा रहे हैं तो लोग पूछते हैं कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि यूरिक एसिड को हम कितने मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक रखें तो वह हमारे लिए बेस्ट है तो उसके लिए बड़ा सादा सा जवाब है कि आपका यूरिक एसिड सिक्स मिलीग्राम पर डेसी से कम होना चाहिए आप चाहे इसको अपनी खुराक से कम कर लो या चाहे आप इसको दवाइयों से कम कर लो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें दुआओं में याद रखें अल्लाह हाफिज़